गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज किस वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट अपडेट है रायपुर वाइज एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 का। अभी तक हमने रायपुर वाइज एक्सप्रेसवे के डिफरेंट पैकेजेस का अपडेट देखा है इन ऑल थ्री स्टेट्स। लिस्ट आपके सामने है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रायपुर वाइजैग एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 स्टार्ट होता है जकुवा से, एंड होता है कोरलम में। और ये पैकेज 2 आप आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं। किलोमीटर्स की बात करें, किलोमीटर 396.800 से लेके 421.100 पे एंड होता है पैकेज 2। इस पूरे पैकेज का लेंथ है 25 किलोमीटर्स का और इस पैकेज को कंस्ट्रक्ट कर रही है NKC प्रोजेक्ट्स। आपको बता दूं, रायपुर वाइजैग एक्सप्रेसवे के 100 किलोमीटर्स का एरिया आता है आंध्र प्रदेश में और इसे 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। आउट ऑफ 4 NKC प्रोजेक्ट्स को मिला है 2 पैकेज, पैकेज 4 और पैकेज 2। पैकेज 4 का वीडियो हमने पहले ही देखा है, मैंने कुछ दिन पहले ही दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, चेकआउट कर सकते हैं। पैकेज 4 और पैकेज 2 दोनों ही NKC प्रोजेक्ट्स बना रही है। डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में ही आपको लिंक अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पैकेज 2 में आपको एक इंटरचेंज देखने को मिलेगा जो कि बन रहा है नेशनल हाईवे नंबर 516E के ऊपर। इस इंटरचेंज को कहा जाएगा विजयनगरम इंटरचेंज। विजयनगरम टाउन से इस इंटरचेंज का डिस्टेंस होगा सिर्फ 9 किलोमीटर्स का। और नेशनल हाईवे नंबर 516E को यूज़ करके आप अराकू वैली की तरफ भी जा सकते हैं। इस इंटरचेंज से अराकू वैली का टोटल डिस्टेंस होगा लगभग 70 किलोमीटर्स का। कंस्ट्रक्शन को देख के मैं ऐसा आइडिया लगा रहा हूँ कि एक और इंटरचेंज गजपति नगरम के पास बन सकता है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक और इंटरचेंज बनेगा गजपति नगरम में। बनेगा या नहीं बनेगा ये तो समय बताएगा आने वाले समय में। अगर उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको वो बताऊँगा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ड्रोन फ्लाई किया है हमने पैकेज 2 में। पैकेज 2 के एरिया को अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी जगहों पे अर्थवर्क कंप्लीट भी नहीं हुआ है, काफ़ी जगहों पे इनफैक्ट हो चुका है। काफ़ी जगह ऐसे एरियाज हैं जो जहाँ पे एलिवेटेड सेक्शन बनने वाला है, यहाँ के छोटे बड़े काफ़ी सारे ब्रिजेस बनने वाले हैं, उन जगहों पे पिलर्स का काम चल रहा है। जिन जगहों पे अर्थवर्क कंप्लीट नहीं हुआ वहाँ पे अर्थवर्क का काम चल रहा है। इंटरचेंज का भी काम काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। वैसे एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक इस पूरे एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करना है, बट होगा या नहीं ये तो समय बताएगा। और जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। तो बचा हुआ जो भी हिस्सा है जहाँ पे हमने ड्रोन फ्लाई किया है पैकेज 2 में, वो हिस्सा आप देख सकते हैं। इंटरचेंज को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस इंटरचेंज का काम चल रहा है। और आपको बता दूँ, इंटरचेंज के एक तरफ में एक अलग पैकेज है, दूसरी तरफ में एक अलग पैकेज है। इस इंटरचेंज से अगर आप रायपुर की तरफ जाते हैं या उड़ीसा की तरफ जाते हैं तो पैकेज 2 आपको देखने को मिलेगा। अगर इसी इंटरचेंज से आप विशाखापट्टनम की तरफ जाते हैं तो वो एरिया आता है पैकेज 3 में। इंटरचेंज से दूसरी तरफ का एरिया यानी कि पैकेज 3 का एरिया हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपका आया होगा पसंद। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।